नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिता वेस्ट बंगाल से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं फिर से इस इको फ्रेंडली प्लेट से कुछ नया क्राफ्ट बनाकर बताऊंगी। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। प्लेट को कोई भी डीप कलर से रंग दे, दो कट अवश्य लगाए। फिर पेपर ए साइज का पेपर को लंबाई में 4 इक्वल पार्ट्स में काट लें। वो 4-5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान हम जरूर रखेंगे। और हाँ, इस क्राफ्ट को बनाते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस की हूँ आपसे जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस करने ना पड़े। हाँ दोस्तों, इस क्राफ्ट को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाए और कोई इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो। दोस्तों, अगर हम इसी सेलो टेप से चिपकाते हुए करते हैं तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, और इसे हमें पूरे पास पास में रखते हुए जाना है। मैंने यहाँ 14 और 16 की पेपर स्टिक रखी हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। आपको जितनी लंबी और चौड़ी चाहिए उसी हिसाब से आपको रखनी होगी। फिर एक एक करके इसमें फंसाते हुए जाएंगे। देखिए, अगर हम इसी तरह एक के बाद एक अलग करके हाथ में रखें फिर इसके अंदर फंसाएं, तो वो आसानी से जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और एक बात मैंने पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि हमें पेपर की चौड़ाई 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि काम में फिनिशिंग नहीं आएगी, वो मोटी बन जाएगी। तो इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैंने लंबाई की तरफ दोनों ही तरफ ग्लू से चिपका कर काट ली हूँ, और चौड़ाई की तरफ एक तरफ छोड़ दी हूँ और दूसरी तरफ थोड़ा पेपर छोटा छोटा रख के काट ली हूँ, ताकि उसे मैं फंसा सकूँ या फोल्ड कर सकूँ। इस तरह देखिए, इस तरह हमें एक तरफ फोल्ड करती जानी है, और दूसरी तरफ हम चाहे तो फोल्ड कर सकते लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आगे आप जरूर जान पाएंगे कि उसे छोड़ने की क्या जरूरत है। देखिए, प्लेट को लेके हमें इस तरह रखना है और ग्लू से चिपका लेना है। दोस्तों देखिए, हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, हमें वैसे ही इसको इसके बाद प्लेट के साइज से काटना है। इसे अच्छे से प्रेस करके एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेंगे। थ्री स्टिक को लेंगे, फिर ग्लू से चिपका कर फिक्स कर लेंगे, फिर उसे बुनते जाएंगे कुछ इस तरह। जब एक खत्म हो जाए फिर ग्लू से चिपका कर, नहीं तो फेविकॉल से चिपकाएंगे तो आसानी से वो चिपक जाएंगे। ऐसे फंसाते हुए फिर बुनते जाएंगे। बुनने के बाद फिर ग्लू स्टिक के मदद से इसे किनारे पर चिपकाते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। ये इतना लचीले हैं कि आसानी से चिपकते जाएंगे। अगर कागज थोड़ा
मोटे होंगे तो फिर नहीं चिपकते, थोड़ा ज्यादा ग्लू देने की जरूरत पड़ती। देखिए इस तरह बन गए। अभी कागज के गोले बनाते जाएंगे, फिर इस पॉकेट में भरते जाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह, यहाँ थोड़ा मैंने ज्यादा ही कुछ भर लिए थे, फिर बाद में मैंने इसे निकाल दिए, क्योंकि इस पर अगर फिर फ्लावर चिपकाऊंगी तो फिर ये पूरा ही भर जाएंगे, इसलिए मैंने फिर कलर के बाद फिर निकाल ली, फिर उस पर कलर कर दी। देखिए बिल्कुल इसी तरह। फिर मैंने मेटालिक ब्रॉन्ज कलर से इसको कलर कर दी हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा लुक आ जाए। इसी तरह आपके पास जो भी हो, स्पॉन्ज हो, उसी से आप लगा सकते हैं। देखिए एमसिल का पैकेट से मैंने इसको चिपकाए हूँ, ताकि वो फिक्स हो जाए और आसानी से हैंग हो जाएगा। ये कुछ गिफ्ट्स के पैकेट आए थे घर में, और उसके नीचे ये सब था, तो मैंने इसे क्राफ्ट के लिए बचा के रखे थे, और इसी को फ्लावर का शेप देकर हम उस पर चिपकाएंगे। देखिए कुछ पेटल जैसे वो दिख ही रहे थे, तो मैंने एक के ऊपर एक जैसे चिपका कर थोड़ा मोड़ के उसको फ्लावर जैसा शेप दे दी हूँ। फिर इसको मैं उस पर चिपकाती गई। देखिए उसमें कुछ ग्रीन कलर के थे, तो मैंने उसे पत्ते के रूप में यूज कर ली हूँ, और बाकी को कलरफुल फ्लावर के रूप में यूज की। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आपको अगर ये आइडिया थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।